नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। पुलिस प्रशासन का एक नारा है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। मगर पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते नारा उल्टा हो रहा है। अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, आमजन में डर व्याप्त हो रहा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते एक आमजन को अस्पताल में लहूलुहान हो भर्ती होना पड़ा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ प्रदेश के जनजाति बाहुल जिले डूंगरपुर के थम्बोला थाना अंतर्गत पीठ कस्बे में आज हुआ। आज पीठ कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर एक विशेष समुदाय के व्यक्ति पर चार जनों ने लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पीड़ित के सर पर गंभीर चोटें आई और वह लहूलुहान हो गया। इन हालातों में कस्बे में माहौल खराब हो गया और पुलिस को सूचना मिलने पर कुछ देर के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस द्वारा पीड़ित को उपचार के लिए जिला मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पताल में लाया गया। पीड़ित आशिक शाह की माने तो उसने पिछले महीने की 16 तारीख को भी आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन हमलावरों पर पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई ना होने पर दोबारा आशिक शाह ने इस महीने की 12 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर पुलिस प्रशासन की कान में जूं तक ना रेंगी, जिससे हमलावरों के हौसले और बढ़ने लगे और बीते कल को पीड़ित को फिर से हथियार दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। आशिक शाह ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर फिर एक बार पुलिस ने पीड़ित की गुहार पर न तो ध्यान दिया और न ही मांगने के बावजूद सुरक्षा दी, जिसकी वजह से आज उस पर हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस इस घटना के बाद हरकत में आई और चार हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। घटना घटने के बाद पुलिस को हरकत में आना निसंदेह आमजन में पुलिस के प्रति जो विश्वास है वह कम हुआ है और अपराधियों में पुलिस का डर भी कम हुआ है। प्राइम न्यूज़ 24 से लिए डूंगरपुर से संवाददाता दिनेश पंचाल की खास रिपोर्ट। मैंने जमीन विवाद था हमारे, मैंने 16 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उस सामने वाले के खिलाफ, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद 16 तारीख को मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, डम्बोला थाना वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। उसके बाद मैंने 12 तारीख 12वें महीने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद भी इन्होंने कोई मतलब उस मामले में भी कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की। फिर मैंने कल जाके थाने में मेरी चौकी में जाके रिपोर्ट बोला कि भाई मेरे पे जानलेवा हमले की धमकी देते हैं, ये जान से मारने की धमकी देते हैं, बार बार डराते हैं, धमकाते हैं, कब रास्ते में निकलता हूँ तो हथियार बताते हैं। फिर भी चौकी वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तीन तीन बार मैंने रिपोर्टें दर्ज करवाई, फिर भी धम्बोला थाना से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम? मेरा नाम आशिक शाह, और आज अचानक मेरे पे हमला हुआ। कौन थे सामने वाले? जयेश कलाल, पुत्र नटवर कलाल, उसका पिता नटवर कलाल, माया चंद, पिता का नाम माया चंद है। ठीक है, कितने जन थे? और एक था कुछ बिहारी पंचाल, ठीक है, और एक था नारायण पंचाल। टोटल कितने जन थे वो लोग? चार जने थे, उन्होंने चारों ने मेरे पे जानलेवा हमला किया। अगर लोखंड की पाइप और लाइन से मेरे पे हमला किया।